हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, जीएसटी काउंसिल अफर्म्स 28% टैक्स ऑन ऑनलाइन बेटिंग फ्रॉम अक्टूबर 1। तो 28% टैक्स लगेगा ऑनलाइन बेटिंग के ऊपर। तो देखिए, एक बार देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। इन्होंने, निर्मला ताई ने हमें बोला है, स्लो एंड स्टडी सम ऑफ द डिसीजन अनाउंस्ड बाय द जीएसटी काउंसिल ऑन सैटरडे। एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल ईएनए इन लिकर प्रोडक्शन केप्ट आउटसाइड जीएसटी, इसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। स्टेट्स एम्पावर्ड टू टैक्स ई एन ए, वही हो गया आपका एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल। स्टेट्स के पास पावर रहेंगी। ब्लेंडेड फ्लोर विथ एटलीस्ट 70% मिलेट्स मेक मेड टैक्स फ्री व्हेन सोल्ड लूज। तो जिसमें अगर 70% मिलेट्स होंगे, श्री अन्न जिनको इन्होंने बोला था अपने बजट की स्पीच में, श्री अन्न अगर 70% रहेंगे तो उसको टैक्स फ्री बेचा जाएगा, अगर वो लूजली सोल्ड हो रहा है, तो सेल किया जा रहा है, पैकेट में नहीं हो रहा है तो। और आप देखिए, लिवाई ऑन मोलेसेस स्लैश्ड फ्रॉम 28% टू 5% टू लोअर कैटल फीड कॉस्ट हेल्प सुगर केन फार्मर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखते हैं आर्टिकल में क्या है। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिल ऑन सैटरडे लोअर द टैक्स रेट्स ऑन सर्टेन मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स ट्वीक द एज रिलेटेड नॉर्म फॉर मेंबर ऑफ द मच अवेटेड जीएसटी अपेलेट्स ट्रिब्यूनल्स एंड सीडेड द टैक्स टैक्सेशन राइट ऑन एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल टू द स्टेट्स। तो अब देखिए, स्टेट्स के पास आ गया एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल के ऊपर। वाइल क्लियरिंग सेवरल लॉन्ग हैंगिंग इशूज द काउंसिल ऑल्सो सिग्नल दैट देर वुड बी नो बैक पेडलिंग ऑन 28% लिवाई टू बी इम्पोज ऑन बेट्स मेड इन ऑनलाइन गेमिंग। तो ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर 28% टैक्स लग जाएगा। कैसीनो एंड हॉर्स रेसिंग फ्रॉम अक्टूबर 1, ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो हॉर्स रेसिंग पे अक्टूबर 1 से 28% टैक्स लगेगा। डिस्पाइट 13 स्टेट्स हैव नॉट नॉट हैविंग डिस्पाइट 13 स्टेट्स नॉट हैविंग पास द इनेबलिंग लॉज येट, टैक्स डिमांड वर्थ द एस्टिमेटेड रुपीज 1.5 लाख करोड़ सर्व्ड ऑन ई गेमिंग फॉर्म्स फॉर द प्रायर पीरियड वर ऑल्सो डिस्कस्ड, बट इट वॉज असर्टेड दैट द अमेंडमेंट जीएसटी अमेंडेड जीएसटी लॉ इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। मतलब पीछे के, जैसे कि रेट्रोस्पेक्टिव जो हो गया, मैंने आज एक लॉ बनाया कि, मतलब मैंने बोला कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना चोरी करना है, और लॉ मैं आपके एर्थ को बना रहा हूँ, और ये चीज़ फिर पीछे बेसिस पे नहीं जाएगी, तो जो सेवन्थ को भी बनाया होगा उसको भी चोरी बोला जाएगा। ये हो गया, अगर ऐसा हो रहा है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव हो गया। पर ये अगर मानिए ऐसा हो गया कि एर्थ को बोला है, तो 9th से या 8th से जब से लॉ आया तब से इसको माना जाएगा, तो वो आपका रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, पीछे के बैक डेटेड इसको नहीं देखेंगे। ये हो गया आपका रेट्रोस्पेक्टिव। जीएसटी काउंसिल ऑफ फर्म, वही उसका कंटिन्यूएशन है। द नोटिस इशू टू द गेमिंग फर्म्स फॉर रिकवरिंग टैक्सेस फॉर अ पीरियड अप टू सेप्टेम्बर 30 वर बेस्ड ऑन द लॉ एज इट एग्जिस्टेड फॉर बेटिंग एक्टिविटीज, द काउंसिल वॉज टोल्ड व्हेन मिनिस्टर फ्रॉम दिल्ली एंड छत्तीसगढ़ रेज द इशू। The Supreme Court is expected to take a view on the tax demand for the prior period on an appeal filed by Revenue Department against a Karnataka High Court decision and dismissed tax demand over 21,000 crores served on Gamescraft. 18 states have amended laws. So, kya hai? Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said that Delhi's Finance Minister had raised concern about the impact of gaming industry while Goa minister flagged the impact on casino. अब यहाँ पे एक आपको फन फैक्ट बताता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड, एक बहुत अच्छा फन फैक्ट है। गोवा में आप देखेंगे कहीं पे बोट पे, शिप्स पे, बड़े बड़े पानी में कसिनो चलते हैं, कहीं पे आप बिल्डिंग पे नहीं देखेंगे कि लैंड पे बिल्डिंग है उसके ऊपर कसिनो है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि इंडियन लैंड के ऊपर कसिनो अलाउड नहीं है, तो वो इंडियन वाटर टेरिटरीज में कसिनो वो लोग शिप के ऊपर अपना चलाते हैं, लैंड के ऊपर कसिनो अलाउड नहीं है। तो ये था आपका छोटा सा एक फन फैक्ट। द दिल्ली मिनिस्टर कंसर्न वर मोर ऑन द लाइंस ऑफ टैक्सिंग देम ऑनलाइन गेमिंग विल किल अ सनराइज इंडस्ट्री और यूथ नीड्स दिस इंडस्ट्री एंड ऑल्सो देन टेकिंग अप द इशू ऑफ द नोटिसेस दैट हैव गॉन टू दिस कंपनीज। ऑफकोर्स She also highlighted that this decision has been discussed over 2 to 3 years and if the decision taken by the council is going to hurt the young and youthful industry that has
सो मच प्रोस्पेक्ट्स एंड सो ऑन, सी सेड। तो ठीक है, इन्होंने बोला जो इतना सोच समझ के डिसीजन लिया गया है सही है, गलत नहीं है। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा सेड दैट एट लीस्ट एट द लेटेस्ट काउंट 18 स्टेट्स हैड पास द नेसेसरी चेंजेस टू देयर जीएसटी लॉ थ्रू ऑर्डिनेंस और अमेंडमेंट्स टू मेक द 28% गेमिंग लेवी इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 21। तो बस 18 स्टेट्स ने अभी तक लॉ को अमेंड किया है। अब देखिए जीएसटी सेस क्या है। सेस क्या होता है? सेस होता है आपका टैक्स ऑन टैक्स, नहीं टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता है, मतलब हाँ होता है, पता नहीं मैं भूल रहा हूँ शायद ही कंसेप्ट, मुझको देखना पड़ेगा। मतलब ऐसा होता है किसी पर्टिकुलर पर्पज से टैक्स लिया जाए तो उसको सेस बोलते हैं। कि मानिए आप कुछ खरीद रहे हो उसके ऊपर एजुकेशन सेस लग गया, तो वो जो पैसा एजुकेशन सेस में लिया जाएगा जैसे 1% या 0.5%, वो प्रॉपरली एजुकेशन के ऊपर ही खर्च होगा। तो सेस एक पर्टिकुलर उसके लिए होता है, फंक्शनैलिटी के लिए। आस्क्ड इफ द रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ द हायर जीएसटी रेवेन्यू कुड लीड टू स्विफ्टर रैशनलाइजेशन ऑफ द जीएसटी रेट स्ट्रक्चर, मिस सीतारमन सेड दैट दिस वाज नॉट द डिस्कशन इन द काउंसिल, एडिंग दैट नो कॉल हैज बीन टेकन ऑन द रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज येट, द काउंसिल डिसाइडेड टू मीट इन द फ्यूचर टू वर्क आउट पर्सपेक्टिव प्लान ऑन इम्पोजिंग अ सेस और सरचार्ज ऑन टॉप ऑफ जीएसटी लिवाइज एंड हाउ दिस सरचार्जेस could be used after March 2026 when the GST compensation cess used to recompense state for joining the indirect tax regime is expected to phased out. Meanwhile, the tax rates on some goods and services were clarified or tweaked along with the measure to facilitate trade and explicitly lay out the procedure and tax treatment where confusion prevailed. For instance, an emerging dispute on the treatment of guarantee issued by the director of company for corporate loan has been settled by stating that this will not attract GST. Guarantees issued by companies to their subsidiaries will attract 18% GST on 1% of the guarantee offered or the actual consideration, whichever is higher. Taxpayers have also been granted an additional window till January 31st, 2024 to file appeal against the pending cases that were filed by Revenue Department till March 2023 by paying a slightly higher proportion of the disputed tax levy as the pre-deposit. तो आप देखिए इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले इस आर्टिकल में हमारे लिए यही चीज इम्पोर्टेंट रहती है कि 28% टैक्स आपका लग गया है गेमिंग के ऊपर, 28% टैक्स आपका गेमिंग के ऊपर लग गया है, हॉर्स का जो आपका रेसिंग होता है उसमें बेटिंग होती है हॉर्स रेसिंग के ऊपर वो लग गया है, कैसीनो के ऊपर लग गया है गेमिंग, और आपके ऑनलाइन बेटिंग के ऊपर हो गया है। ठीक है, बात बोल रहे गलत है, इमर्जिंग वो है। तो निर्मला सीतारमण जी ने साफ बोल दिया भाई कि देखो 1 से 2 साल तो हमने डिस्कस किया, 2 से 3 साल तो डिस्कस किया, और जब ये डिसीजन आ रहा है पूरे पैनल का तो सही है। तो एक बार इसके ऊपर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा। अब देखो क्या गेमिंग लग्जरी है? बिल्कुल है। हॉर्स रेसिंग लग्जरी है? मैं तो कभी नहीं गया देखने हॉर्स रेसिंग, ना टाइम है ना पैसा है, और उसमें जाके पहली बात गलती से कोई चला जाए और उसके बाद बेटिंग भी करे, मतलब आप उस इंसान का लेवल समझ सकते हो, वो वेल ऑफ मतलब बहुत पैसे वाला है। कैसीनो मैं नहीं गया, अगर देखिए मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास लड़का हूँ, तो जब मैं नहीं गया तो मुझे नहीं लगता कोई मिडिल क्लास गया होगा। बेटिंग मैंने नहीं की, ऐसा कोई गेमिंग मैंने नहीं किया, ऑनलाइन बेटिंग दूर दूर तक मैंने नहीं किया, और क्योंकि पैसा नहीं है ना सबसे बड़ी बात, हमारे लिए 100 रुपया 200 रुपया भी जाता है तो थोड़ा बुरा ही लगता है, तो बेटिंग तो हम नहीं करते क्योंकि पैसा ना चला जाए, तो ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे। तो सिंपल सी बात, जब मिडिल क्लास लड़का ये सब नहीं करता है या मिडिल क्लास फैमिली से आया कोई नहीं करता है तो ये लग्जरी है। तो जब लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं तो लग्जरी के ऊपर तो हायर स्लैब का टैक्स लगना ही चाहिए क्योंकि वो लग्जरी है, आपके ऊपर तो टैक्स लगना ही चाहिए। तो 28% टैक्स मेरे हिसाब से बहुत सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें,
और भी आप लग्जरी आइटम खोजो, जो जो लग्जरी चीज़ें हैं उनके ऊपर 28-32 जितना लगाना है, जो मर्जी लगाना है लगाओ, देश की इकॉनमी बढ़ाओ और बढ़िया अपना मिलिट्री बढ़ाओ और वेलफेयर करो देश के लिए। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही स्टेप है, क्योंकि ये लग्जरी है, ऐसा किसी का पर्टिकुलर नीड नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ये करेंगे नहीं तो मर जाएंगे, खाना पीना थोड़ी है ये, तो बहुत अच्छा है ये मेरे हिसाब से तो। और अगर आपका कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप प्लीज़ रखिए। और जिसको करना है, लोग बोल रहे हैं इंडस्ट्री ख़राब होगी, तो भाई ऐसी कोई इंडस्ट्री ख़राब नहीं हो रही है, करने वाले करेंगे, उनको 28% से कोई मतलब नहीं है इसमें। तो थोड़े दिन अपसेट रहेंगे, बाद में सब चीज़ ठीक हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।